हे गाइस, मैं हूँ भारती एंड वेलकम टू माय चैनल भारतीस लाइफस्टाइल विद कुकिंग। तो आज जो है मेरे घर में पूरन पोड़ी बन रहा है, तो मुझे लगा क्यों ना मैं उसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँ। ट्रेडिशनल वे में हम लोग पूरन पोड़ी बनाते हैं और ये जो रेसिपी है मेरी सासू माँ की है, वो बहुत अच्छा पूरन पोड़ी बनाती है। तो चलो मैं आपको वो रेसिपी दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें चना दाल लेना है और उसे प्रेशर कुकर में 3 विजिल आने तक पका लेना है। इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, इस तरह से दानादार होना चाहिए इसका जो स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो चना दाल लिया है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं 1/2 किलो शक्कर ऐड कर रही हूँ। आपको जितना मीठा पसंद है उसके अनुसार आप शक्कर डाल सकते हो। और उसके बाद आपको अच्छे से मिक्स करना है। ये पूरन पोली का ग्राइंडर मशीन है और स्पेशल पूरन पोली के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपको दाल डाल के इस तरह से ग्राइंड करनी होती है जिससे इसका जो स्ट्रक्चर है वो दानेदार निकलता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद आपको एक पैन में पूरन पोली का स्टफ डाल के उसमें शक्कर ऐड करनी है। अगर आपको थोड़ा और मीठा पसंद है तो आप भी डाल सकते हो। और इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर डालना है, 1 चम्मच सौंफ पाउडर डाल के इसे तब तक गर्म करना है जब तक ये गोल्डन कलर और थिकनेस ना आ जाए। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसके बाद आटा जो है वो 10 मिनट पहले ही मिक्स करके रख लेनी है, जिससे आटा जो है वो सॉफ्ट बनेगा, पूरन पोली भी जो सॉफ्ट आएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आटा लेके उसे पूरी की तरह बेल के उसके अंदर पूरन का जो लड्डू है अंदर की तरफ प्रेस करते हुए इसे क्लोज कर देनी है। तो देखिए इस तरह से अंदर की तरफ प्रेस करके राउंड राउंड घुमाते हुए क्लोज करना है और धीरे से हल्के हाथों से इसे पूरे की तरह शेप देके बेल लेनी है। तो देखिए इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए पूरन पोली को बेलना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, अदरवाइज जो पूरन है वो बाहर फैल जाएगा। हल्के हाथों से इसे घुमाते हुए बेलना है। तो यहाँ पे हम तीनों बहुएँ मिलके पूरन पोली बना रहे हैं। तो जितना हो सके उतना आप बेलने की ट्राई कीजिए, देन आफ्टर इसे तवे पे फ्राई कर लीजिए। दोनों साइड अच्छे से घी लगाकर गोल्डन कलर आए तब तक इसे फ्राई कर लेनी है। अगर आप इस तरह से पूरन का जो स्ट्रक्चर है, पूरन का जो स्टफ है वो इस तरह से अगर आप बनाते हो तो इसे स्टोर करके फ्रिज में आराम से 1 वीक तक आप रख सकते हो, ख़राब नहीं होगा। और इसका जो स्वाद है एकदम मिठाई की तरह आएगा, बहुत ही स्वाद अच्छा लगता है इसका। एक बार आप ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे ये जो पूरन पोली है वो फ्राई हो गया है, तो ये बन चुका है। देखिए इस तरह से इसका कलर आना चाहिए। इस पूरन पोली को आप दूध के साथ, घी के साथ खा सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। तो हो गया हमारा पूरन पोली तैयार। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।